आज हम देखेंगे कि इडली और डोसे का परफेक्ट आटा कैसे बनाना है। बैटर बनाने के लिए हमें लगेगा 1 कप उड़द दाल। वही कप में हमें 2 कप जाड़ा चावल लेना है। हमें इसे अच्छे से धो लेना है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी के दाने। फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा पोहा। इसकी वजह से ये बैटर काफ़ी फ्लफी बन जाता है। हम इसे अभी 6 से 7 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। अच्छे से सूख होने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और इसे फिर से हमें फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। फिर हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए अच्छे से फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आपको इडली या डोसा इंस्टेंटली बनाना है तो 2 से 3 चम्मच दही डालिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। आप देख सकते हो कितने अच्छे से फर्मेंट हो गया है यह आटा और काफ़ी फ्लफी इडली बनेगी इससे। आप यही आटे से डोसा भी बना सकते हो। तो देखा आपने कितनी फ्लफी इडली बनती है इससे। एकदम क्रिस्पी डोसा बनता है। तो देखा आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो ज़रूर बनाइए, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को हिट करें।